हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं एग कड़ी। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम उसमें 2 चॉप्ड ओनियंस डाल देंगे, यानी कि प्याज डाल देंगे 2 कटोरे। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है प्याज को, क्योंकि हमें इसका अंत में पेस्ट ही बनाना है। और हम इसे बस 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें 10 से 12 काली मिर्च डालेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे। अब हमारा प्याज आधा से अधिक पक चुका है, तब हम इसमें 10 से 12 लहसुन डाल देंगे। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इस मसाले को 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। चार मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कटी हुई टमाटर डाल देंगे। ये भी 2 से 4 मिनट के बाद अब पक चुका है, तो अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम उसमें उबले हुए अंडे डाल देंगे और इसे लाल होने तक पकाएंगे। अब अंडों का ज़्यादातर हिस्सा लाल हो चुका है, अब हम इसमें अपना मसाला डाल देंगे। मसाला डालकर हम इसे 2 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी थोड़ा और थिन चाहिए। हमारा अंडा करी अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे गार्निश भी कर सकते हैं धनिया पत्ती से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें।